वासु की ड्रेसेस बेस्ती में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे नारियल की चटनी। नारियल की चटनी को आप इडली, डोसा या खाने के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बनाते हैं नारियल की चटनी। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है नारियल, मैंने कच्चा नारियल लिया है 100 ग्राम। इसे मैंने छोटे टुकड़े में काट कर रखा है। नमक स्वाद अनुसार या आधा चम्मच नमक हम इसके अंदर डालेंगे। 50 ग्राम दही है हमारे पास। धनिया 2 बड़े चम्मच हमने काट कर रखे हैं। 1 टुकड़ा अदरक का मैंने छोटे टुकड़े में कर लिया है। 2 हरी मिर्च हमने छोटे टुकड़े में काट लिया है। 1/4 चम्मच काली सरसों, 1 चम्मच तेल छौंक लगाने के लिए, 1 चम्मच मूंगफली के दाने। अब हम इन सबको हम पीसेंगे। पीसने के लिए मिक्सर जार लेंगे और इसके अंदर सारी चीजों को डाल देंगे। धनिया के पत्ते, मिर्ची, अदरक, मूंगफली के दाने इसके अंदर डालेंगे, नारियल, दही को भी इसके अंदर हम डाल देंगे, नमक 1/2 चम्मच, 1/4 कप हमने इसमें पानी डाल दिया है। और इसे हम अच्छी तरीके से चटनी पीस लेंगे। मैंने चटनी को पीस लिया है। इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। मैंने चटनी को निकाल लिया है। इसके अंदर हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने तड़का पैन ले लिया है। अब इसके अंदर हम तेल डालेंगे। जो तेल इस्तेमाल करना चाहते हैं डाल सकते हैं। और इसके अंदर हम काली सरसों के दाने डाल देंगे और इसे हम चटकने देंगे। सरसों हमारे अच्छी तरीके से हो चुके हैं, देखिए। और हम गैस को बंद कर देंगे और इसके अंदर 10 से 12 कड़ी पत्ते डाल देंगे। चटनी के ऊपर तो हम छौंक लगा देंगे। और इसे 1 चम्मच से मिला देंगे। और हमारी नारियल चटनी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और अपने व्यू हमें जरूर दीजिए। फिर एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।